ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहां पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की ये जो वीडियो है ये कुछ ख़ास है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग मानते हैं कि वशीकरण तो होता ही नहीं है, ये सिर्फ़ एक दकियानों सी बातें हैं या फिर ये वाहियात बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। यदि कोई बोलता है कि वशीकरण होता है या ऐसा कुछ होता है या आप करवा सकते हैं हमसे, तो सब बकवास है, लोग ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता, कुछ समय बाद वो भी हार मान लेते हैं। कुछ लोग लगे रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं और एक दिन उनको सफलता ज़रूर मिल जाती है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरे खिलाफ़ होते हैं वीडियोस में, कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसे ही बोलते हो, कुछ भी नहीं होता, अगर होता है तो बताइए किसका हुआ है आज तक। तो मैं किस किस के नाम गिनाऊँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम बनते हैं और वो मुझे कॉल करते हैं, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनके एक्सपीरियंस आप सबके साथ मैं शेयर करूं, तो मैंने उनमें से एक को, मतलब जो उनकी कॉल थी, वो रिकॉर्ड की है और मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो मानते नहीं हैं कि वशीकरण होता है। अगर आप सच्चे दिल से वशीकरण करते हैं पूरे निष्ठा भाव के साथ, फालतू की बातों से ध्यान हटा के, तो वशीकरण हो जाता है। जिस प्रकार से हर चीज़ में सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, वैसे ही इस प्रयोग में भी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो ये सारा खेल जो होता है ये वाइब्रेशन का होता है और ये ठीक उसी पद्धति पर काम करता है जिस पद्धति पर वाइब्रेशन काम करती हैं। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ आपको सावधानियाँ ज़रूर रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि आप सात्विक होने चाहिए, आप बिल्कुल पॉजिटिव, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप खुश रहें तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है, जीवन के हर मोड़ में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आपको पानी को चार्ज करना आना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना, कैसे रखना है वो आना चाहिए। दूसरों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं और हर प्रकार की उनकी वाइब्रेशन होती है, और आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होती जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। उसी प्रकार से आप जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, सैड सॉन्ग मत सुनिए वरना आपका जो चेहरा है वो बेजान हो जाएगा कुछ समय बाद, और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। और दूसरी बात ये कि मैं आज आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, इसमें आप ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही ऐसे साधक हैं जिनका काम बना है और ये बहुत खुश हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सब भी इनसे प्रेरणा लें और जैसे इनका काम बना है वैसे आपका भी काम बने, और बनता भी है अगर आप सही तरीके से करेंगे तो। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता, याद रखिए, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही तरीके से सही चीज़ मालूम होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी जगह पर जाकर ही वो काम करना होगा। कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो पहाड़ पर जाकर ही होती हैं, उसके अलावा आप करेंगे तो प्रयोग में असर नहीं दिखाई देगा। तो जितना आपको जैसे पता लगता है हमारे चैनल के थ्रू, उसको पूरे विधि विधान से करिए और आपको रिज़ल्ट मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत से लोगों के आजकल मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ें। पहला ग्रुप हमारा फुल हो चुका है इसलिए दूसरा ग्रुप बनाया है, और जो दूसरा ग्रुप है वो भी फुल होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग बचे हुए हैं ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको सुनाता हूँ ऑडियो, आप सुनिए।
जी और हम लोग से कभी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन पिछले 2 साल से मेरे जिंदगी ना उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया जी। लेकिन 1 साल से हमारी लाइफ ऐसी हो गई थी, मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी मुझे डिवोर्स दे दी, लेकिन मेरे ना इन लोगों नहीं चाहते थे मुझे डिवोर्स देना और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। लेकिन हम तो कभी बात नहीं करते थे क्योंकि हमारे में लड़ाई चलना कि ऐसे ही चलता था बहुत। जी 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 आपका वीडियो देखा तो मालिक जी, तो जो आपने बताया जो मंदिर जा बताया, मैं मंदिर में बैठ के मंदिर जा तो मैं अभी करती हूँ आपका मंदिर में बैठ के। जी जी हाँ जी, मुझे आपको बता आपके मंदिर तो मुझे याद भी हो गए। अच्छा असर कब से आने लग गया था आपको? असर राइट नाउ जैसे आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने ना मेरी जैसे की ना पिछले 7-8 महीनों में आपको देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लग जाएगा उसी का आपसे पैसे बात कर रही है और मुझे इतना नहीं लगा, वो पता कह रहा था मैं चेंज नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि वो बहुत चेंज हो गया अपनी लाइफ में, मतलब कि मैं उसे कहती हूँ अपना घर बार मैं पंजाब से हूँ। अच्छा और मैं कहा मैं अपना पूरा घर बार छोड़ के दिल्ली सिर्फ मतलब कि तेरे साथ शादी करी, मैंने अपनी पूरी सारी लाइफ तेरे लिए करा, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था सर। जी जी उसने मतलब कि ऐसे हो गया था जैसे कि ना उसके ऊपर ऐसा कुछ था कि एक हम दोनों को अलग हो गया था, एक घर में होते हुए भी ना हम दोनों अलग कमरे में सोते अलग बैठते अलग सकते। जी जी मतलब कि मैं जैसे कि उसको कभी फोन भी कर देती कि ऐसे ऐसे करके तो भी वो मुझे कहता कोई बात नहीं मैं आके बात करूँगा, तो मेरे पास ना 5-5 दिन साल में हम दोनों कभी बोलते नहीं थे। अच्छा ऐसे गंदे लाइफ हो गए थे आपको बता नहीं सकती। और अब कैसी लाइफ है? आप ऐसी लाइफ है कि अगर मैं किचन में भी होती हूँ ना जो मेरे आपने मेरे ना 9 साल पहले वाली लाइफ के बाद। अच्छा हाँ वैसी हो मेरी लाइफ बिल्कुल। अच्छा। जैसे कि 9 साल पहले जैसे कि मैं किचन में 8 साल पहले हमारी शादी हुई 1 साल फेयर हुआ। अच्छा, और अच्छा। मतलब कि जैसे मैंने मतलब कि 8-7 साल पहले मैं किचन में हूँ, मेरे पीछे किचन में आता मतलब कि 1 मिनट भी मेरे से बात करे भी नहीं रहता था, सेम जैसे आपने बताया मैंने सेम वैसे ही करा। बस बस देखिए वही है ना जो सच्चे मन से करता है उसका काम जरूर होता है। और पता मैंने आपके कितने अपाई करे अपने पूजा घर के आगे करे हैं टैक्सी। जी जी आपने जैसे जैसे बताया था कि मैं आपके कोई भी वो थे ना जो आपने ओम परिप्राप्त देवी नमो। जी जी वो आपने कहा ना बहुत प्रसन्न मंत्र है आप मानोगे उसका तो मैंने दिन रात जब भी मैं हस्बैंड से बात भी करती ना फोन पे भी तो भी मैं उसको 5 बार सुनाती वो मुझे कहता क्या करती है। बस फिर देख लो असर हो गया है। फिर तो असर होना ही था। हाँ आपने जो मंत्र किया था ना मैंने मेरी सिस्टर है जो कल ही गई है पंजाब, मैंने उसको भी आपका जो मंत्र लिख कर दिया आपका नंबर भी उसने मुझे बोला थी कि वो उठा लेंगे, मैं जब मैं तो आपको बात करूंगी मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपका सारे अपने फेसबुक पे अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड पे दिल्ली में हर जगह मतलब की हर फ्रेंड को आपका रिस्पेंस दे दिया। नहीं नहीं सब मंत्रों का कमाल है, आप सही मंत्र जाप करोगे तो चमत्कार हो जाता है बिल्कुल। मैंने आपका वो भी करा था जो आपने कालिका माता का जी 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 अभी डाला है लेटेस्ट वो भी मैंने करा था। हाँ वो भी मैंने करा था। अच्छा मैंने आपको वो मैंने मैंने करा मैं कहा आपसे मैं ना आपको फोन करूंगी और सोचूंगी तभी मैं आपको बता मैं ना ऐसी हूँ लेकिन मेरे अंदर ना इतनी बेचैनी थी आपसे बात करने की आपको ये बताने की आपके प्रोटेज इतनी है आप इतने कमजोर हो मतलब की आपकी मतलब जो लाइफ है आप कितने सशक्त इंसान है। जी जी बस आप में लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके लिए उपाय मैंने दे दिए हैं वहाँ पे और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं सर मेरी लाइफ तो आपने ठीक बिल्कुल सही कर दी और मैंने अपनी फ्रेंड से आपको मैंने अपनी फ्रेंड से पानी वाला करवाया था, मैंने उसको व्हाट्सअप करा था आपके मंत्र देख के जी और आपका वो पानी वाला और आपका चाय वाला मैंने
एक मुझे मुझे अपना कोई भी वीडियो पूछ लो, मैंने आपको सारी वीडियोस देखी है, पर लेकिन मैंने एक ही करा ना, एक कोली वाला अपने हस्बैंड पे और एक नाखून वाला जी वो करा था। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके लिए काम कर गया तो मैं यही बताता हूँ सबको। अच्छा हाँ, उनका भी सबका, एक ने देखना पॉली वाला करा था हमारे, एक ने वो करा था चाय वाला, और चाय वाले वाले को तो थोड़े देने लगे थे आपको बताती हूँ, जैसे कि एक हफ्ता लग गया था, उसने सैटरडे करा था, संडे तक रिजल्ट आया था। जिसने पानी वाली ने करा था ना, उसका सेकंड डे मुझे फोन आ गया था। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों की मदद करते रहिए और ये जो वीडियो है ये दूर तक फैलाते रहिए, जिनको ज़रूरत है उनको सबको ज़रूर बताइए इसके बारे में। ओके जी, और बस खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, अगर कोई समस्या हो तो दोबारा कॉल करिएगा, ठीक है? हाँ, आप मेरे नंबर से चलो, मैं तो आपका सेव करके रख रखा है। जी जी जी, चलिए अभी दूसरे भी हाँ जरूर आना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी दूसरे कॉल आ रहे हैं तो मैं उनको ज़रा अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है? ओम नमः शिवाय। ओके, तो इस तरह से लोगों के काम बनते हैं और अगर सही तरीके से किया जाए तो हर काम, हर प्रयोग, हर वशीकरण पूरा होता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आप करना चाहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सेकंड ग्रुप अभी खाली है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम बना सकें आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़। ओम नमः शिवाय।